देखिए, आज जो वर्ल्ड हार्ट डे है, द थीम ऑफ दिस ईयर इज यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट। और आपको पता है कि हेल्दी हार्ट मीन्स हेल्दी बॉडी, हेल्दी सोल, हेल्दी लाइफ। हार्ट एक पंपिंग मशीन है, ये एक इंजन है, जैसे गाड़ी का इंजन है, ये इस पे सारा दारोमदार है। और आज के सिडेंट्री जो लाइफ वर्क, हमारा जो पूरा लाइफ है सेडेंटरी बन गई है, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, हमारे बच्चे जंक फूड खा रहे हैं, और इससे क्या होता है, ओबेसिटी। ओबेसिटी, स्मोकिंग, सेडेंटरी लाइफ वर्क, दीज आर द हाईएस्ट रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट। और ये एक इसमें अच्छी बात ये है कि हम ये सारा प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर हमने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया, हमने ये चीज़ें अवॉइड की, आफ्टर 40 मुझे जो लग रहा है, हमने नमक कम खाना है, हमने शुगर कम लेना है, एक्सरसाइज पे ध्यान देना है, और स्मोकिंग को अवॉइड करना है। कोई भी नशा हो उसको अवॉइड करना है, उससे कि आपका हार्ट हेल्दी रहेगा, आप बिल्कुल फिजिकली फिट रहोगे। लोगों से यही गुजारिश है कि आज हमने देखा गया तो बच्चों में भी ओबेसिटी पाई जाती है, बच्चों में भी सेडेंटरी आ गया, वर्क आ गया, स्टाइल आ गया, क्योंकि अब तो मोबाइल उनके हाथ में होते हैं, अब उनके हाथ में बैट नहीं होता, क्रिकेट नहीं होता, हमारे टाइम में गुल्ली डंडा होता था वो नहीं होता है, फुटबॉल नहीं होता, इनके हाथ में मोबाइल्स होते हैं। उसको अवॉइड करें, उनको एक्सरसाइज में लाए, और तमाम फैटी ऑयली फूड्स दे शुड अवॉइड, वो करना बहुत ज़रूरी है। और इनफैक्ट बचपन से ही, जिसको प्राइमोडियल प्रिवेंशन कहते हैं, कि बचपन से ही उन चीज़ों की आदत डाली जाए जो हेल्दी हो, यानी कि नमक भी कम लिया जाए, शुगर भी कम लिया जाए, एक्सरसाइज में आएंगे, फिजिकल एक्टिविटी में आएंगे, जिससे हमारा हार्ट हेल्दी रहेगा। आज का यही मैसेज है और यही गुजारिश आ रही है।